अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस वक्त भारत में कोहराम मचा दिया है। भारत जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सब दुश्मनी को अपनी बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पर पेश करता है, उसी भारत को बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने भारत को ज़ोरदार झटका दिया है। इस वक्त भारतीय मीडिया के सदमे से दो चार है, इससे मुतालिक भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, कुछ अर्सा कबल कतर में पाकिस्तान और बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की मुलाकात तय पाई थी, जिसके पीछे कतर के वज़ीर आज़म ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान के मुसलसल सफारती कोशिशों के नतीजे में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस साल नवंबर में मुनाकिद होने वाले सार कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान में होनी है, उसमें शिरकत करने का ऐलान कर दिया है, जिसे भारतीय मीडिया ने मोदी की बड़ी सफारती नाकामी का इजहार करार दिया है। दोस्तों, ये थी आज के अहम अपडेट के बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने भी पाकिस्तान में जो है सार कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मनसूबा बना दिया और उन्होंने ऐलान भी कर दिया बाकायदा इसका। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।